हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गले का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने बुकरम ली है। बुकरम की लंबाई ली है मैंने 13 इंचेस की, चौड़ाई ली है और लंबाई भी मैंने इसकी 13 इंच ली है। मतलब मैंने चौड़ाई और लंबाई बुकरम की बराबर ली है। मैं आपको आज वो गला बताऊंगी जो रेडीमेड गले बने हुए मिलते हैं मार्केट में। मैं आपको इसी प्रकार से एक गला बनाकर बताऊंगी, बुकरम पे वही कपड़ा लूंगी डिजाइनर, और इस तरीके से मैं इसे बनाऊंगी। सबसे पहले मैं गले का निशान लगाऊंगी 3 इंच पे, और उसके बाद जो मुझे गले की लेंथ रखनी है वो रखनी है मुझे 6 1/2 इंच। 1/2 इंच मेरा सिलाई में जाएगा और जो मेरा 6 इंच होगा वो मेरा फाइनल होगा। तो उसके बाद मैं इसे कर्व दूंगी। कर्व मुझे इस प्रकार से देना है कि ये देखिए, ऐसे लाके इसे यहाँ से ऐसे लाके और ऐसे पान टाइप में इसे मिलाना है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी पूरे बुकरम पे, 3 3 इंच पे मुझे मार्जिन 3 इंच का लेना है। वैसे हम 1 इंच का लेते हैं, लेकिन मैं आपको डिजाइनर गला बता रही हूँ तो हम 3 इंच लेंगे। यहाँ से भी 3 इंच पूरे में, 3 3 इंच पे मैं पूरे में निशान लगा लूंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कुछ डिजाइन की शेप दूंगी, जैसे इसे मैं ऐसे लाऊंगी। ये मैंने 3 इंच ऐसे कर्व दे के इधर मिला दिया, ठीक है। उसके बाद ये 3 इंच मैंने कर्व दे के इधर मिला दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी जो मैंने, ये मैंने 3 3 इंच पे मार्जिन लिया था ना, तो उसके बाद इसे भी मैंने इतना ही कर दिया इधर को, और इधर भी मैंने इतना ही कर्व लिया। अगर थोड़ा बहुत फालतू चला जाए तो इसमें कुछ नहीं, लेकिन हमारी ये लाइन बिल्कुल 3 इंच पे ही होनी चाहिए, ऐसे। अब मुझे ये इस तरीके से लाना है, मैं यहाँ से इसे बना ली शेप को। ये मुझे ऐसे नीचे की तरफ को ऐसे और हल्का सा ऐसे, फिर ऐसे सीधा कर देना है डिजाइन को, ऐसे। अब ये देखिए 3 इंच का मार्जिन यहां से देके फिर मैंने ऐसे हल्का हल्का सा कर्व दिया है पूरे में, ऐसे सेम बराबर होनी चाहिए। अब मैं इसे पहले यहां से कट करूंगी, नेक को कट करूंगी यहां से ऐसे। ये मेरा फ्रंट गला है ऐसे। ये गले हमें रेडीमेड में बने हुए मिलते हैं, लेकिन हम आपको इन्हें बुकरम पे बनाना बताएंगे किस तरीके से ये रेडीमेड गले बुकरम पे भी बनाए जा सकते हैं, ऐसे। इन्हें बनाने के लिए कपड़ा ठीक ठाक लें, जैसे शाइनिंग वाला कपड़ा लें अच्छा सा, अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से भी ऐसे ही कर्व देना है इस प्रकार से, और जो मैंने ये यहाँ से करीबन मैंने 1/2 इंच से भी कम ये रखा है। अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको किस तरीके से मेरा डिजाइन होगा। मेरा डिजाइन कुछ इस तरीके से होगा। अब ये देखिए, ये मेरा अब 1/2 इंच है, तो मेरा 1/2 इंच से पहले कम था, अब खुल के ये 1/2 इंच है जो ये कॉर्नर आ रहा है। अभी इस तरीके से मेरा डिजाइन होगा, और डिजाइन बनाने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर का कपड़ा है, इसी कपड़े पे मैं ये गला बनाऊंगी और फिर इसे सूट में अटैच करके आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको इसे सिल के बताऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ से 6 इंच का मार्जिन देके और इसे पिन से सेट कर लिया है ताकि गला इधर उधर को ना जाए, और मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इस नेक पे लगाऊंगी और उसके बाद जो मैंने कर्व दिए हैं डिजाइन के लिए इन पे लगाऊंगी। सबसे पहले गले पे लगाऊंगी ताकि ये अटैच हो जाए अच्छे से। ऐसे पूरे गले में सिलाई लगाऊंगी मैं।
यहाँ से मशीन को रोक के तब चलना है। अब ये देखिए गला सिल के तैयार कर लिया। उसके बाद जो मैंने कर्व दिया है यहाँ से डिजाइन के लिए, मैं इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ऐसे इसी शेप में, यहाँ से फिर ऐसे मशीन को घुमा के, मशीन को रोक के चलना है, जहाँ पे कॉर्नर आए वहाँ से मशीन को रोकना है ऐसे। ऐसे मैं पूरे गले को सिल के तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने गला सिल के तैयार कर लिया। उसके बाद मैं इस कपड़े को कट करूंगी। कपड़ा मुझे सारा कट करना है क्योंकि मुझे कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है, इसलिए मैं ऐसे कपड़े को थोड़ा थोड़ा छोड़ूंगी, बस इतना इतना, और बाकी के मैं पूरे कपड़े को कट कर दूंगी। इसी शेप में मुझे कपड़ा कट करना है जिस शेप में मैंने ये गला कट किया था ऐसे। ऐसे पूरे गले को इसी तरह से मुझे कट करना है, ये देखिए इसी शेप में। इधर से भी ऐसे करना है। ये देखिए गला सिल के मैंने तैयार कर लिया। उसके बाद मैं इस पे ये लेस लगाऊंगी। लेस हमें कर्व के हिसाब से ही लगानी है। यहाँ से लगाना स्टार्ट करूंगी मैं ऊपर से, जैसे जैसे मेरा कर्व है उसी हिसाब से मुझे लेस लगानी है बाहर की तरफ को निकाल के। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर है, तो ऐसे मशीन को उठा के तब चलना है ऐसे, यहाँ से यहाँ से भी ऐसे, और इस तरफ से भी ऐसे ही लाना है कर्व के हिसाब से ही। यहाँ से भी ऐसे लेस से हमारा जो हमारे धागे वगैरह दिख रहे थे थोड़ी बहुत, वो सारे ढक गए लेस से। हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा कपड़ा बहुत मजबूत हो जाएगा। ऐसे ऐसे मैं पूरे में लेस लगाऊंगी इसी के हिसाब से, जैसे मैंने इसमें लगाई है ऐसे ही मैं पूरे में लेस लगा के तैयार कर लूंगी इसको। ये देखिए गले पे मैंने लेस लगा के तैयार कर ली। उसके बाद मैंने कुर्ती में भी एक कट लगाया है। कुर्ती का कपड़ा मैंने उल्टा रखा है, ये मेरा सीधा कपड़ा है, तो उल्टे कपड़े की तरफ को मैं ऐसे गले को उल्टा करके ऐसे, और तब मैं इसे पिन से सेट करूंगी ऐसे, जिससे गला टेढ़ा ना हो, और इसे पिन से सेट करके मैं पूरे को तैयार कर लूंगी। कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है। मैंने पीस सेंटर में कट लगाया है, ये देखिए ये मेरा बीस सेंटर है यहाँ से और यहाँ तक गला बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से, कहीं से ज्यादा या कहीं से कम ना हो, इसीलिए गले की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए इधर भी और इधर भी। ये देखिए गले को मैंने पिन से सेट कर लिया है। पहले मैं गले के ऊपर सिलाई लगाऊंगी यहीं पे राउंड पूरे में। अभी मुझे जहाँ पे मैंने डिजाइन दिया है वहाँ पे मुझे सिलाई नहीं लगानी है, अभी वहाँ पे मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। पहले मैं गले के और पास सिलाई लगाऊंगी। ये उल्टे कपड़े की तरफ को सेट करना होता है, फिर इसे सीधे कपड़े की तरफ को हम पलट देंगे। ये पलटने वाला गला है ऐसे, ये
ये देखिए मैंने गला सिल की तैयार कर लिया। उसके बाद मैं ये कपड़ा कट कर दूंगी बीच में से, ऐसे इस तरफ से भी। और उसके बाद गले को ऐसे सीधा करके तब इसमें कट लगाऊंगी। इससे गले का ये कॉर्नर है, यहाँ पर अच्छे से कट लगाऊंगी। इससे सिलाई का अच्छे से पता लग जाता है कि सिलाई कहाँ से कहाँ तक है। ऐसे और फिर मैं इसे सीधे कपड़े की तरफ को पलट दूंगी। ऐसे सीधे कपड़े की तरफ को पलट के इसे तैयार कर लूंगी। ऐसे इसी तरीके से हमारे रेडीमेड गले बने हुए आते हैं। और उसके बाद मैं इसे सिलाई लगाऊंगी यहाँ से, ऐसे कपड़े को बराबर करके। ऐसे बराबर करती जाऊंगी कपड़े को। ये जो हमारा कपड़ा दिख रहा है, ये सारा हमें कपड़ा निकालना है बाहर की तरफ को। ऐसे ऐसे खींचना है और तब सिलाई लगानी है। यहाँ से भी ऐसे ही सेम। अब मैं पूरे गले को सिल के तैयार कर लूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे राउंडली पूरे में लेस लगा के तैयार कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी गले के ऊपर, इसी शेप में लगानी है जैसे जैसे हमारा कर्व है ऐसे, और फिर ऐसे जो हमारे रेडीमेड गले होते हैं वो सेम ऐसे ही बने हुए मिलते हैं, सिर्फ उन्हें हम कुर्ती पे लगा सकते हैं लाके मार्केट से। इसी तरीके वो तरीके से वो बनते हैं और ऐसे ही बने हुए मिलते हैं। हम आपको आज ऐसे ही गले बता रहे हैं, वो भी लेस से ही बनते हैं। उनमें खासकर लेस लगी होती है जो रेडीमेड गले होते हैं, और वो मार्केट से बहुत ही महंगे मिलते हैं। इसीलिए आज हम आपको रेडीमेड गले बने हुए आते हैं उन्हें बनाने का तरीका बता रहे हैं, किस तरीके से वो बनते हैं। उसके बाद में ये लेस मैंने लगा दी। ये मैंने देखी यहाँ पे भी जो मैंने लेस लगाई थी, इसके ऊपर भी मैंने पतली वाली लेस लगाई इसी के बराबर। अब मैं इसको भी ऐसे ही लगाऊंगी इसी के बराबर में ऐसे। ये मैंने डबल लेस लगाई है, एक थोड़ी मोटी है और एक बिल्कुल पतली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गला आपके सामने बनके तैयार है। मैंने इस पे राउंडली पूरे में लेस लगाई है दो कलर की, एक थोड़ी मोटी है और एक थोड़ी पतली है। इसी से मैंने इसकी शेप बनाई। जो हमारे रेडीमेड गले होते हैं, मैंने आपको उस प्रकार का गला बना के दिखाया है जैसे रेडीमेड गले होते हैं, सेम ऐसे ही रेडीमेड गले मिलते हैं। उनको सिर्फ कपड़े पे लाके और लगाना होता है, इसी शेप में मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।